जी आपने सही सुना, आज मैं आपके लिए गोल गप्पे पानी पूरी की रेसिपी लाई हूँ। ये मशहूर स्ट्रीट फूड है जो कि हर छोटे बड़े की मनपसंद है। तो शुरू करते हैं इसके खट्टे मीठे पानी से, लेकिन ये इंस्टेंट रेसिपी है। चलो जी पानी बनाते हैं इसका, गोल गप्पों का। तो अब शुरू करते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। पहले वो बड़ा जार लें, जग लें, इसमें आप पानी पूरी का जो मसाला आता है वो आपने डालना है। 3 टेबलस्पून मसाला डाल दें उसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि वो इस, क्योंकि मसाला होता है ना तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। पानी भी आप डाल दें। अब आप मीठी चटनी लें जो कि 3 टेबलस्पून ये भी डाल लें, ये इमली की मीठी चटनी है। मीठी चटनी डाल के इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, मिक्स ताकि मसाला और मीठी चटनी मिक्स हो जाए। फिर आपने इसमें आइस क्यूब डालनी ताकि ठंडा ठंडा खाने में गो, जब पानी भरता है ना उसमें गोते तो मुंह में जाता, बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो ये आइस क्यूब भी डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा आपने पुदीना काट के रखा होगा वो भी डालना, लेकिन बूंदी पहले डाल दें या बाद में। बूंदी भी 2 टेबलस्पून इसमें बूंदी डाल दें। ये बाज़ार से ही मिलती है पैकेट, घर में बना सकते हैं लेकिन ये आसानी से मिल जाती है। तो ये आपने 2 टेबलस्पून इसमें डाल के फिर आपने वो डालना है इसमें, पुदीना वगैरह डालना है इसमें ताकि उसका जो फ्लेवर आता है ना वो पानी में बहुत मज़े का लगता है। अब हम बनाते हैं दूसरी चटनी। थोड़ा सा पुदीना लें, ये 1 कप के करीब होगा, उसको पहले धो लिया था फिर मैंने इसमें डाला तो मिक्सी जार में। फिर इसमें पुदीना डालें, वो भी पहले से धो के रखा हुआ था। उसके बाद डालने के बाद आपने कुछ मसाला डालना है, वो चाट मसाला मैं डालती हूँ इसमें। तो आपने 1 टेबलस्पून यानी 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालना है। फिर ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, और ज़ीरे के बाद आपने ब्लैक पेपर ले, वो लेना है ब्लैक, काला नमक जिसको ब्लैक पेपर, जो जो भी ब्लैक पेपर नहीं, काला नमक ब्लैक सॉरी काला नमक डालना है। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेना है, उसको कट करके वो भी डाल दें। 2 सब्ज़ मिर्चें ताकि वो थोड़ा सा तेज़ी भी आए इसमें पानी में। और इमली का पानी खट्टा, वो तो मीठी चटनी थी ना, ये खट्टी चटनी में जो यूज़ करते हैं दूसरे भल्ले वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं, ये भी डालनी है। इसको बंद करके ग्राइंड करें, फिर जग में पानी डालें, फिर ये चटनी उसमें आप मिक्स अच्छी तरह मिक्स करके, और वही तरीका, आपने बूंदी डालनी है 2 टेबलस्पून, फिर आइस डालनी है, फिर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते से डालने हैं। दोनों को आपने फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए ताकि अच्छा ठंडा हो जाए। जी पानी तो हमारा हो गया तैयार, अब चलते हैं बनाते हैं गोल गप्पे, फ्राई करते हैं। तो इसको गोल गप्पे पानी पूरी जो भी कहते हैं ये डालें। इसकी खूबी ये है कि ये डालते फूल फूल के खुद ही ऊपर आते हैं। और अगर आपने मेरी फुल रेसिपी देखनी हो तो आप द चैनल पे, ये मेरे गोल गप्पों की फुल रेसिपी है, लेकिन ये इंस्टेंट गोल गप्पे हैं, ये खुद ही फूल फूल के आते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और ये इसमें से पानी भी लीक नहीं करता, मज़े की बात ये है। तो इनको आप फ्राई करके निकाल लें, फिर आप सारे निकाल निकाल के रख लें। और इसकी खूबी ये है कि ये अगर ना फूले ना तो दोबारा डालें तो फिर भी फूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है इनकी। और मज़े भी और जायका भी बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा आप भी। तो अब इसको हम इसको तैयार करते हैं किसी अच्छी डेकोरेशन। ओ क्या क्रिस्पी गोल गप्पे बने हैं। अब इसमें मैंने चने और आलू और मिक्स करके ना ये बॉयल करके रखे थे, चाट मसाला मिक्स किया और नमक मिर्च मिक्स करके वो डालें। अब मीठी चटनी इसमें डाल लें क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आएगा, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। अब थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालें ताकि इससे भी और टेस्ट आएगा। अब इसको पानी में डुबो के भर लें, और इनको मैंने इसको छोटे छोटे गिलासों पर पानी डाल के रखा है क्योंकि डेकोरेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। खाना कैसा भी हो लेकिन डेकोरेशन से इंसान का दिल करता है कि खाए और इसी तरह बनाए।
आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं, मज़े करें। इसका टेस्ट तो बस कुछ ना पूछो, बहुत ही मज़े का है, बहुत अच्छा है, सबको पसंद आया। आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, इसी तरह पेश करें। पेश करने में और भी मज़ा आता है, ख़ुद से बनाई हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा देख के। आप ख़ुद भी बनाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें और पूरी वीडियो देखें आप।